आज के एक्सप्लेनेशन में हम लोग एक लड़की और लड़के के सर्वाइवल की स्टोरी देखने वाले हैं, जो कि एक आइलैंड पे फंस जाते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। वो लोग वहाँ पे क्या क्या करते हैं, यही आज हम लोग की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो आप लोगों की मोस्ट डिमांडिंग वीडियोज़ की होने वाली है, जो कि थी 18+। और आज की वीडियो जो है वो भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि इस मूवी में भर भर के इंटीमेट सीन्स हैं जो कि आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एमा नाम के कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं एक डीन नाम के लड़के को जो कि उसी के क्लासरूम में पढ़ता था। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और जब भी ये लोग खाना खाते थे या फिर कोई एक्टिविटी करते थे ये दोनों एक दूसरे को टीज करते रहते थे। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि इनके क्लासरूम में इनके कॉलेज के प्रिंसिपल क्रिश्चियन आते हैं और वो उन्हें बताता है कि हम लोग एक एक्टिविटी करवाना चाहते हैं आप लोगों से, कि आप लोग एक आइलैंड पर जाइए और वहाँ पर कुछ गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो कि आदिवासी मूल रूप से हैं, और उनके लिए आप लोग स्कूल बनाइए और वहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाइए। इस बात को सुनकर बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पसंद था ऐसी एक्टिविटियाँ करना। पर वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं वहाँ पर जाने से एक दिन पहले। तो जिस पार्टी में ये लोग जाने वाले थे वो कोई आम पार्टी नहीं थी, वो थी एक क्रूज पार्टी। और क्रूज पार्टी में तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जो कि शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ था। ये लोग उस पार्टी में नशे कर रहे थे। इस खबर को सुन के पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिन्हें देखकर एमा उस बोट से नीचे गिर जाती है समुद्र में, और उसे बचाने के लिए डीन वहाँ पर आता है और उसे एक नाव में बिठा लेता है। अब डीन क्या करता है, उस बोट की रस्सी को काट देता है ताकि अगर कोई क्रूज पर कोई अरेस्ट हो तो वो लोग ना पकड़े जाए। तो हम देखते हैं कि जो पुलिस की बोट होती है और क्रूज होती है वो आगे निकल जाते हैं और ये लोग एक समुद्र में फंस जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बहुत तगड़ा तूफान आ रहा था। अब अगले दिन लोगों की आँखें खुलती हैं तो ये लोग एक सुनसान जगह पर थे। अब ये बात जैसे ही प्रिंसिपल क्रिश्चियन को पता पड़ती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे बच्चे को तो ले आए थे पर एमा और डीन कहाँ पर रह गए। अब ये लोगों ने ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाने की मांग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एमा और डीन को एक वहाँ पर आइलैंड दिखता है जिस पे कि ये दोनों चले जाते हैं, और चले ही क्या जाते हैं, जो पानी की जो बहाव होता है वो इन्हें लहरा के वहाँ ले जाता है। यहाँ पर डीन क्या करता है कि वो बोट से सब सामान निकाल लेता है, जिसके साथ एक फ्लेयर गन भी थी। हम लोग देखते हैं डीन और एमा के पेरेंट्स को, जो कि प्रिंसिपल से बात करते हैं। वो उन्हें सर्च ऑपरेशन की बात का आश्वासन देके वहाँ से भगा देते हैं। हम लोग देखते हैं ये लोग जिस आइलैंड पर अटके थे वो इतना ज़्यादा खूबसूरत था, वहाँ पे पीने का पानी भी था, सब कुछ था, पर वहाँ पर जो थे नेटवर्क टावर नहीं थे। ये लोग किसी को ना तो मैसेज कर सकते थे ना कुछ भी कर सकते थे। अब हम लोग देखते हैं ये लोग उसी किनारे पे जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी बोट छोड़ी थी, पर वो बोट वहाँ पर नहीं थी क्योंकि लहरें जो थी पानी की वो उसे भगा कर ले गई थी। हम लोग देखते हैं ये लोग एक आग जलाते हैं, क्योंकि डीन के पास एक लाइटर भी था। ये लोग आग जलाते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं और अपनी रात को वहीं पर गुजारते हैं। दूसरी तरफ हम लोग इनके पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि एक फ़्लाइट बुक कर लेते हैं वहाँ पर उनको ढूंढने के लिए, जिस पूल पर ये लोग आए थे। अब हम लोग देखते हैं अगले दिन डीन को, जो कि स्विमिंग कर रहा था, फिशिंग कर रहा था, और यहाँ पर हम एमा को देखते हैं जो कि पानी भर रही थी पीने के लिए। अब ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए एक छत भी बना लेते हैं। इनको खाने पीने के लिए वहाँ पर कोकोनट्स एंड बनानास भी मिल जाते हैं, जिससे कि ये लोग अपना पेट भी भर लेते हैं। इनके साथ अब पीने के लिए पानी भी था। हम लोग देखते हैं जो लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे वो दोनों अब एक दूसरे को नहाते हुए भी देख लेते थे। इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन जग गया था और इन दोनों को ये दोनों अब अच्छे लगने लगे थे। हम लोग देखते हैं एक दिन आइलैंड को एक्सप्लोर करते करते इन लोगों को एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर एमा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, वो पैनिक हो जाती है, वो साथ साथ डर भी जाती है। उसे लगता है कि ये किसका है, कहीं हमारा हाल भी इसी की तरह ना हो। तब डीन उसे संभालता और कहता है कि ये किसी ड्रग डीलर का, किसी स्मगलर का या फिर यहीं के किसी मछुआरे का हो सकता है, जिसको ना खाना पानी मिलने की वजह से मर गया हो और साथ ही साथ उसका कंकाल बन गया हो। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जो एमा है वो सो के उठती है और वो देखती है कि डीन उसके पास नहीं है, क्योंकि डीन तो जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था उस कंकाल को दफनाने के लिए। अब एमा उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो डीन उससे कहता है कि तुम इससे डर गई थी इसलिए। अब एमा को देखते हैं जो कि नीचे गिर जाती है, उसके पैर में चोट लग जाती है और डीन उसके पैर में दवाई भी लगाता है। दवाई लगाते लगाते डीन उसे बताता है कि मेरी मॉम थी वो एक एक्सीडेंट में मर गई थी, और जो एमा है वो भी डीन को बताते हैं कि मेरे डैड भी एक एक्सीडेंट में ही मरे थे। अब ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली जुड़ने के बाद इमोशनली भी जुड़ जाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था वो फुल प्रूफ हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ इनके पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि इनको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चला रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एमा और डीन एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, मज़े ले रहे थे। इन दोनों को अब कोई चिंता नहीं थी कि अगर ये लोग वापस घर जाते भी हैं तो। हम लोग देखते हैं कि जो डीन था वो एमा के लिए एक दिन फ्लावर तोड़ रहा था, तभी वहाँ पर उसे एक प्लेन की आवाज़ आती है।
तो ये लोग अभी तो जंगल के अंदर थे, पर ये लोग बाहर के किनारे पर जाते हैं बीच पर, और वहाँ पर देखते हैं कि प्लेन तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। एमा डीन से कहते हैं कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई, तो यहाँ पर डीन उससे कहता है कि मैंने सब जगह उसे ढूंढा पर वो मेरे को नहीं मिली, साथ ही साथ ना तो मुझे तुम्हारा टूथब्रश मिला ना ही तुम्हारे और दूसरे कपड़े मिले। ये देखकर ये लोग पैनिक हो जाते हैं कि इनका जो सामान था वो यहाँ से कौन ले गया, क्योंकि इनके अलावा इस जंगल में और कोई भी नहीं था। अब ये लोग देखते हैं कि बीच के किनारे पर थे और पैनिक हो गए थे, अब इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि अब इनके पास फ्लेयर गन भी नहीं थी। हम लोग देखते हैं डीन को जो कि जंगल में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि जंगल में एक पैंथर है जिसकी उसे आवाज़ सुनाई देती। अब यहाँ पर देखते हैं कि डीन भाग रहा होता है, उसके पीछे एमा भी थी और इन दोनों के पीछे ही पैंथर आ गया था। हम लोग देखते हैं कि जो डीन था वो पैंथर को मार देता है, जिसे देखकर एमा खुश होती है। दूसरी तरफ इन दोनों के पेरेंट्स अभी भी इन्हें ढूंढ ही रहे थे, और इस तरफ ये दोनों यहाँ पर जंगल में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ऊपर एक बंदर आता है और इनके ऊपर इनका सामान फेंकने लगता है। साथ ही साथ उस सामान में एक फ्लेयर गन भी थी, जिसे जो एमा होती है वो चला देती है, क्योंकि एमा ने उसे बिना सोचे समझे बिना देखे बाहर ही चला दिया था, क्योंकि वहाँ पर ऊपर कोई प्लेन नहीं जा रहा था तो उसने बिना देखे उसे चला दिया, जिसे देखकर डीन उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें जब चलाना चाहिए था जब हमें कोई प्लेन दिखे। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जो कि इनके पेरेंट्स का ही हेलीकॉप्टर था, और वो लोग इनकी जान बचाने के लिए इस आइलैंड पर आ गए थे। और फाइनली इन दोनों को रिकवर कर लिया जाता है और वापस अपनी सिटी में ले जाया जाता है, जहाँ पर इनके इंटरव्यू भी होते हैं, क्योंकि अब इन दोनों ने अपने पूरे 100 दिन पूरे कर लिए थे। अब ये लोग कुछ दिन बाद फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि जो एना थी उसका जो अट्रैक्शन था वो हट चुका था अब डीन से, वो अपने दोस्तों में बिजी हो गई थी। डीन उसकी तरफ देखता भी था तो एना उसे इग्नोर कर देती थी। अब गाइज हम लोग एक दिन देखते हैं कि जो डीन था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको एना के प्रति अट्रैक्शन था। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं लोग एक पार्टी में थे और डीन बाहर खड़ा था बारिश में, और एना भी उसके साथ जाए तो उसे गले मिलने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कर देना, और कमेंट में लिख देना कि अगर आपको कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्द से जल्द आपको उस मूवी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।